आऊदबलैतरम बसमीम आबलमिनआकबा तकवाक़ी अल्लामक वरम वबरक नाजरेन ग्राम क़दर इस्लामिक बंगदारी नज़ाम में मुख्तफ़ शर और क़ानूनी असूलों के मुताबिक हम इकतदी फ़ालियतें अंजाम भी दे सकते हैं और रबा के गुनाह से भी अपने आप को बचा भी सकते हैं तो आपकी खदमत में उन और कानूनी असूलों और तरीक़ों के बारे में बात कर रहे थे आज आपकी खदमत में एक और तरीक़ा जिस तरीक़े पर अगर हम अमल करेंगे तो हम इकतदी फालियत को भी अनजाम दे सकते हैं और गुनाह से भी और रबा से भी अपने आप को बचा सकते हैं इन तरीक़ों और असूलों में से एक असल और एक तरीक़ा जिसे हमने पहले भी इशारा किया था खरीदो फ़रोख्त है और खरीदो फरोख्त का मामला या जिसको अरबी में बे कहते हैं उसके अनवाकसाम है उसके अनवााम में से एक किस्म बे सलफ़ कहते हैं बे सलफ़ उधार के बरअक्स है उधार में आप जिस अभी हवाला करते हैं और क़ीमत बाद में मुद्दत के बाद किस्तों की शक्ल में या एक ही तरी एक ही दफ़े में क़ीमत वसूल करते हैं लेकिन बेअलफ़ और सलम में उसके मुखालिफ़ है उसकी ज़िद है तो वहाँ आप कीमत अभी वसूल करते हैं और चीज़ और मबी या जिन्स को बाद में हवाला करते हैं मुश्तरीका उसको सलफ़ या सलम कहते हैं ये मामला कब अंजाम देता है बेंग में तो बेंग में देखे जैसे हमने नशिया में कहा था हमें चीज़ की ज़रूरत है शे की ज़रूरत है पैसे की ज़रूरत नहीं तो इस सूरत में बेंग वो चीज़ ख़रीद के हमें किस्तों पे उधार पे बेचता था यहाँ हमें खुद पैसे की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास पहला पैसा नहीं है मिसाल के तौर पर मसलन आपके एक कारखाना है एक कंपनी है या आपका एक इदारा है वहाँ पे काम करने वाले अफराद हैं उनको हर महीने में तनख्वाह देने की ज़रूरत है आपके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं कंपनी में काम करने वाले अफराद हैं उनको तनख्वाह देने के लिए आपके पास तनख्वाह के पैसे नहीं हैं आपके इदारे में काम करने वाले हैं लेकिन वो पैसे आपके पास नहीं हैं